हेलो गाइस, मैं हूँ मिसेस कविता सिंह। वेलकम टू माय चैनल। मैं आपके सामने लाई हूँ एक आसान सी ट्रिक। बहुत इजी ट्रिक है ये, जिससे आप अपने चूड़े को अरेंज कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि अपन शादी और कोई फंक्शंस में जाके आते हैं, तो उसको चूड़े को उतारते पहनते टाइम अरेंज नहीं कर पाते, या उसी टाइम वो बिखर जाता है। तो उस टाइम अपन बहुत ईजी वे में इसको अरेंज कर सकते हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे अरेंज करना है। पहले ये देखिए, मैंने एक हाथ का चूड़ा लिया है, मेरे हाथ में अभी एक हाथ का है। पहले अपन एक हाथ का करेंगे, फिर दूसरे वाले हाथ का करेंगे। इससे कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा और अच्छे से हो जाएगा। पहले जो है, सबसे बड़ी वाली चूड़ी को, बड़ी से लेके छोटी तक पांच चूड़ी निकालेंगे अपन इस तरह से। ये मेरा पाँच का बना हुआ है, मैंने आपको चार का बना के दिखाऊंगी। चार चार चूड़ी के सेट से बहुत ईजीली बन जाएगा। ये देखिए, इस तरह से अपन को चार चार चूड़ी अलग कर लेनी है। मेरे पास पहले से अलग की हुई है, इसलिए मैं आपको वही बता देती हूँ। ये देखिए, ये सबसे बड़ी से लेके छोटी तक चार है, फिर उससे जस्ट छोटी वाली, उससे जस्ट, ऐसे ऐसे पांच सेट बन जाएंगे अपने। ये देखिए, इस तरह से ऐसे अपन को कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए इस तरह से जो सबसे बड़ी चूड़ी है उसको वन से लिखना है, वन और ए। मैंने यहाँ पे वन ए किया, आप कोई दूसरा अल्फ़ाबेट भी ले सकते हैं, पर ध्यान रहे कि एक हाथ की चूड़ी में सेम अल्फ़ाबेट हो और दूसरे हाथ की जो होगी उनमें अलग लिखना है अपन को। सेम लिखेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी, दोनों चूड़ी सेम साइज़ में सेम नंबर की हो जाएगी। इसलिए ये देखिए, इस तरह से मैंने नंबर लिखे हैं अंदर की साइड। कुछ नहीं करना, आपको एक मार्कर लेना है और मार्कर से अंदर की साइड लिखना है। ये देखिए, थ्री और फोर, ऐसे मैंने फोर लिखा है, वन टू फोर। ये देखिए, इस तरह से ढाल वाइज है और आपको इसमें ढाल का खास ध्यान रखना है। ढाल है वो ऊपर से नीचे की साइड रहे, ऊपर से नीचे की साइड ही होनी चाहिए, जिससे आपका बहुत ही इजीली अरेंज हो जाएगा। ये देखिए, बाकी सब भी अपन को इसी तरह से करना है। ये कुछ इस तरह से सब में अल्फ़ाबेट ए ही लेना है और नंबर्स जो है वो अपन को चेंज करते जाना, वन टू थ्री फोर ऐसे। ये देखिए, मैंने यहाँ पे बड़े से छोटे क्रम में लिया है, आप चाहे तो छोटे से बड़े क्रम में भी लिख सकते हैं, सबसे छोटी चूड़ी से सबसे बड़े तक ऐसे। ये देखिए, ऐसे ऐसे अपन को पूरा सेट जो है, पाँच चार चार चूड़ी का जो पूरा सेट है उनको लिख देना है। अरेंज करने के बाद ये देखिए, मैं आपको इनको रख के बताती हूँ नंबर वाइज। ये देखिए, ये मैंने नीचे से 20 है और ऊपर तक 1 हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से, क्योंकि मैंने सबसे बड़ी चूड़ी से स्टार्ट किया था 1 और सबसे छोटी चूड़ी को 20 पे ख़त्म किया, तो ये 22 1 ऐसे अरेंज हो गया है। ठीक है, अब मैं इनको वापस बिखेर के कैसे वापस अरेंज करना है वो बताती हूँ। कि जैसे अब नंबर लिख लिए अपन ने, तो नंबर लिखने के बाद बहुत ईजी से अपन अरेंज कर सकते हैं। ये देखिए, सबसे पहले नंबर वन चूड़ी को ढूंढना है, फिर सेकंड और थ्री फोर ऐसे ढूंढते जाना है और सेट बना के रखते जाना है। अपन चार चार चूड़ी के वापस सेट बनाएंगे तो बहुत ही ईजीली हो जाएगा। ये देखिए, ये मैंने, ये थर्ड नंबर चूड़ी है, ऐसे ही मुझे फोर नंबर, ऐसे ही थ्री और फोर नंबर की। अब मैं फोर नंबर की आपको रख के बताती हूँ। ये देखिए, इस तरह से ये मैंने एक सेट बनाया है चार चूड़ी का, इस तरह से। ऐसे अपन को चार चार चूड़ी के पांच सेट बनाने हैं। अब मैंने नेक्स्ट वाला स्टार्ट किया है जो फाइव नंबर की चूड़ी से शुरू हुआ है। ये देखिए, इस तरह से इसको अपन को इनमें सिर्फ ढूंढना ही पड़ता है, ऐसे कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ढूंढने में अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि नंबर सब में लिखे हुए होते हैं। इस तरह से मैं थर्ड वाला सेट बना रही हूँ इसका। ये देखिए, ये थर्ड सेट तैयार किया है मैंने फोर्थ चूड़ी के हिसाब से। ये वन टू एंड ये थर्ड, ढाल वाइज तीन तीन सेट बनाए हैं मैंने चार चूड़ी के हिसाब से। ऐसे ही मैं नेक्स्ट वाले भी बनाऊंगी। इस तरह से अपन को इसके जस्ट नेक्स्ट वाला नंबर ढूंढना है। ये देखिए, नेक्स्ट वाला नंबर ढूंढ ढूंढ के अपन को ऐसे करना है। ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नंबर लिखे हुए हैं तो बहुत ही ईजीली अरेंज हो पाता है। ऐसे करके अपन को पांच सेट बना लेने हैं चार चार चूड़ी के। ये मेरा लास्ट वाला सेट है, ये देखिए।
कुछ इस तरह से बनेगा। अपन को रखना भी सीरियल वाइज ही है, बड़े से छोटा, ताकि अपन वापस अरेंज करें तो अपन को इजीली डाल वाइज सेट हो जाए। अब मैंने 5 सेट बनाए हैं, ये देखिए, ये सबसे बड़ा वाला सेट है, उसके जस्ट बाद वाला, और उसके जस्ट बाद वाला है ये। ऐसे ऐसे अपन को रखते जाना है जिससे कि अपना पूरा चूड़ा सेट हो जाएगा इजीली। ये देखिए इस तरह से, सबसे छोटी वाली चूड़ी है वो 20 नंबर वाली है, हाँ इस तरह से सेट हो जाएगा। इसके बाद क्या है कि मैं आपको बताती हूँ, नेक्स्ट नंबर वाला है उसको भी अपन को ऐसे करना है, नेक्स्ट हैंड वाला। ये देखिए इस तरह से एक हाथ का हो गया है, सेम ऐसे ही दूसरे हाथ का भी करना है अपन को। दूसरे हाथ वाले जूड़े में B1 से शुरू करना है, ये देखिए इस तरह से, ये B1 लिखा है मैंने, B1 से B20 तक, सबसे छोटी चूड़ी होगी वो 20 पे ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से अरेंज करना, ये बहुत ही अच्छे से हो जाएगा आपका अरेंज। अगर आपको मेरी ट्रिक पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।